हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर को. सो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. सो देखिए, जो हमारी मॉलिकुलर ट्रांजिशंस होती हैं वेरियस एनर्जी लेवल्स में, तो वो जो रिकॉर्ड होती हैं वहाँ पे हमें एक शार्प लाइन देखने को नहीं मिलती, बट वहाँ पे हमें ब्रॉड पीक्स मिलते हैं और जिनकी इंटेंसिटी वेरी करती है. तो इसका एक जो रीज़न है, हम ये देखते हैं कि जो स्लिट हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में, जो स्लिट होती है वो इतनी ज़्यादा नैरो नहीं है कि वहाँ से सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन हमारी पास होंगी. तो वहाँ पे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जो पास होती है, फॉल करती है डिटेक्टर पे, जिस वजह से हमें वहाँ पे एक ब्लर्ड पैटर्न देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइड पीक. ऑल राइट, सो विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, द मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस, the molecular transitions in various energy levels are recorded not as sharp line not as sharp line but as more or less broad peaks of varying intensities, जिनकी जो intensity है वो vary करती है, अलग अलग intensity की होती हैं, varying intensities. And one reason of the width of the peaks, peaks is that the slit in the spectrometer. इन दी जो हमारी स्लिट है स्पेक्ट्रोमीटर में उतनी ज़्यादा नैरो नहीं है. द स्लिट इन द स्पेक्ट्रोमीटर इज नॉट इन्फाइनाइटली नैरो सो अलाउ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी So allows range of frequencies instead of a single frequency to pass through and fall on the detector and फोल ऑन द डिटेक्टर. तो वहाँ से हमें एक ब्लड पैटर्न मिलता है डिटेक्टर. एज अ रिजल्ट अ ब्लड पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ वाइड पीक इज ऑब्टेन. तो देखिए, जो हमारी मॉलिकुलर ट्रांजिशंस होती हैं वेरियस एनर्जी लेवल्स में, वो हमें जो रिकॉर्ड होती हैं वो शार्प लाइन की फॉर्म में नहीं मिलती हैं. कुछ वहाँ पे ब्रॉडनेस आती है पीक्स के अंदर और वेरिंग इंटेंसिटीज़ की होती है, उनकी जो इंटेंसिटी बच्चों वो वेरी करती है. इसका एक रीज़न हम क्या लेते हैं कि जो विड्थ है हमारी पीक्स की वो क्यों हमें मिल रही है, जो पीक्स हैं उनकी कुछ ना कुछ विड्थ है, उनमें जो ब्रॉडनेस आ रही है वो किस वजह से आ रही है कि जो हम स्लिट यूज़ कर रहे हैं स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, जो स्लिट है वो इतनी ज़्यादा नैरो नहीं है कि वो सिर्फ एक ही रेंज की जो हमारी एक ही फ्रिक्वेंसी की जो रेडिएशन है उसको पास होने देगी. तो वहाँ पर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की जो हमारी रेडिएशन वो पास होती है, फॉल करती है डिटेक्टर पर, इस वजह से हमें एक ब्लर्ड पैटर्न देखने को मिलता है in the form of wide peak. All right, if the spectral line is sharp it will in the spectrum
एज अ वर्टिकल लाइन, एज अ वर्टिकल लाइन विद नो विड्थ, विद नो विड्थ। अगर जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन है बच्चों वो शार्प है तो क्या होगा, उसके पास एक वर्टिकल लाइन होगी स्पेक्ट्रम में और जिसके पास विड्थ नहीं होगी। तो कैसे होगा, यहाँ पे ये हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू, और इस साइड है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो किस तरीके से होगी, अगर हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो शार्प, एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से, ओके। और अगर जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो शार्प नहीं है, इफ द स्पेक्ट्रल लाइन लाइन इज नॉट शार्प, इज नॉट शार्प, इट विल हैव अ सर्टेन विड्थ, कुछ ना कुछ क्या होगी उसकी विड्थ होगी एक, इट विल हैव अ सर्टेन विड्थ। किस तरीके से हो जाएगा, क्या हमारी फ्रीक्वेंसी न्यू और इस साइड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे किस तरीके से हमें दिखाई देगी वो, उसकी क्या होगी एक विड्थ होगी, क्या होगी विड्थ। अगर हमारे जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो शार्प नहीं है तो उसके पास क्या होगी, कुछ विड्थ होगी, ओके। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी ब्रॉडनिंग के लिए स्पेक्ट्रल लाइन की। इसमें हम पढ़ते हैं कॉलिजन ब्रॉडनिंग, डॉपलर ब्रॉडनिंग और लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग। तो वन बाय वन हम सभी को स्टडी करते हैं। सो द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल for broadening of spectral line. जिसमें फर्स्ट है हमारे पास collision broadening। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कॉलिजन ब्रॉडनिंग को। देखिए जो बच्चे हमारे गैशेज और जो हमारे लिक्विड फेज में होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैशेज और लिक्विड फेज में, तो वहाँ पे क्या होता है वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं और वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड भी करते हैं। तो मोशन में है, कोलाइड भी कर रहे हैं, और इन जो कॉलिजन्स का जो इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर होता है, जो हमारे वाइब्रेशनल और जो रोटेशनल मोशंस हो रहे होते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। इसी वजह से क्या होगा, जो हमें रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होते हैं उनकी पीक्स के अंदर क्या हो जाती है, ब्रॉडनेस आ जाती है। वहां पे जो हमें पीक्स देखने को मिलती है वो क्या हो जाती है, ब्रॉडेंड हो जाती है। ऑलराइट, सो द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड गैशियस फेज आर इन कांस्टेंट मोशन एंड आर frequently colliding with each other। वो frequently क्या करें, आपस में collide भी करें, since these collisions have impact, collisions have impact on the rotational and vibrational motion also, vibrational। तो इन कॉलिजन्स का जो इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो किस पे भी होता है, हमारे जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशंस हो रहे होते हैं, ऑन द रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशंस ऑल्सो। देयरफॉर द स्पेक्ट्रा इन रोटेशनल एंड
वाइब्रेशनल, देयरफॉर द स्पेक्ट्रा इन रोटेशनल एंड देयरफॉर द पीक्स, देयरफॉर द पीक्स इन रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आर ब्रॉडेंड. क्या हो जाती हैं वो? हमारी ब्रॉड हो जाती हैं. तो देखिए, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड और गैसेस फेज में, वो क्या होते हैं? कांस्टेंट मोशन में होते हैं और वो कोलाइड कर रहे होते हैं आपस में. और इन जो कॉलिजन्स का इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, किसके ऊपर होगा? रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो हमारी मोशन होते हैं उनके ऊपर. इसलिए जो हमें पीक्स मिलती है रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में, वो क्या हो जाती हैं? ब्रॉड हो जाती हैं. कॉलिजन इफेक्ट्स, द कॉलिजन इफेक्ट्स are more pronounced, collision effects are more pronounced in liquids than in gases due to, किस वजह से? because जो हमारे लिक्विड है उनमें ज्यादा intermolecular interactions है. due to greater intermolecular interactions, due to greater intermolecular interactions in the liquids. Liquids में जो हमारी intermolecular interactions है वो क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं gases के compare में. और as a result इससे क्या होता है, जो हमें gas phase spectra obtain होता है, as a result gas phase spectra shows sharper lines than those in liquid phase. तो देखिए, जो हमारी कॉलिजन इफेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा किस में होते हैं? लिक्विड्स में होते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारी गैसेस. ऐसा क्यों? बिकॉज लिक्विड्स में इंटरमॉलिकुलर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शंस है वो ज़्यादा होते हैं. इसीलिए जो शार्प लाइंस है हमें वो गैस जो हमारा फेस स्पेक्ट्रा उसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं. वहाँ पे शार्पर लाइंस होती हैं एज कम्पेयर टू जो हमारा लिक्विड फेस स्पेक्ट्रा होता है. ऑल राइट, नेक्स्ट है डॉपलर ब्रॉडनिंग जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब हमें डिटरमाइन करनी होती है विड स्पेक्ट्रल लाइंस की इन द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजंस. और यहाँ पे जो हमारी ट्रांजिशंस होती हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होती हैं. ओके, सो डॉपलर ब्रॉडनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग दी विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजंस. ठीक है, जो डॉपलर ब्रॉडनिंग है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए विड्थ को स्पेक्ट्रल लाइंस की इन द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजंस. और यहाँ पे जो ट्रांजिशंस होती है द ट्रांजिशंस इन दीज रीजंस मेनली अक्योर बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स. ओके, यहाँ पे जो हमारी ट्रांजिशंस होती हैं अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन से मेनली कहाँ पे होती हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में होती हैं जो हमारी ट्रांजिशन होती है अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन्स में. द कॉलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड फेज
इन लिक्विड फेज और इन गैसेस और इन गैसेस डिस्टॉर्ट दी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स thus perturbing the energy levels of these electrons. सो देखिए बच्चों, जो हमारी कॉलिजन्स होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में लिक्विड फेज में और गैसेस में, वो डिस्टॉर्ट कर देती हैं किसको, जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में उसको, और जिस वजह से क्या हो जाती है, परटर्बिंग द एनर्जी लेवल्स, मतलब डिस्टर्ब हो जाती है हमारी जो एनर्जी लेवल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की वो, और इससे क्या होगा, जब हम ट्रांजिशंस होंगी इन परटर्ब एनर्जी लेवल्स में, तो वहाँ पर हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है उसके अंदर ब्रॉडनिंग देखने को मिलेगी. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट the transition between these perturbed energy levels give rise to broadening of spectral lines. सो जब ट्रांजिशन होगी इन जो हमारी परटर्ब्ड एनर्जी लेवल्स के बीच में, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है एनर्जी लेवल्स उनके बीच में, उससे क्या होगी, जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन्स है उसके अंदर ब्रॉडनिंग होगी. Doppler effect is generally observed in gases which follows Maxwell's distribution of velocities and are in constant random motion that depends upon the temperature, जो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे. एंड डॉपलर इफेक्ट इज कॉज्ड when the molecule has a velocity, relative to the observer. ओके, जो हमारा डॉपलर इफेक्ट होता है वो हमें कब देखने को मिलता है, जब जो मॉलिक्यूल होता है हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन, जो मॉलिक्यूल है उसके पास वेलोसिटी होती है रिलेटिव टू दी ऑब्जर्वर. और जो डॉपलर इफेक्ट होता है जनरली बच्चों, वो ऑब्जर्व होता है गैसेस के अंदर, जो फॉलो करती है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज को. इसमें क्या होता है, जो हमारी वेलोसिटी होती है, जो कंटिन्यूसली मूविंग जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके पास जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है विद टेम्परेचर. एंड वो क्या होते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन में होती है, जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, दैट डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर. If a molecule emitting radiation of frequency nu naught and is moving nu naught
न्यू नॉट इज मूविंग, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एंड इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द, किसकी तरफ मूव कर रहा है वो, ऑब्जर्वर की तरफ, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विद द वेलोसिटी, विद विद द वेलोसिटी वी वी द एमिटेड रेडिएशन, द एमिटेड रेडिएशन, द एमिटेड रेडिएशन विल बी शिफ्ट टू, विल बी शिफ्टेड टू, the radiation will be shifted to higher frequency, will be shifted to, kis side shift ho jayegi wo, hamari higher frequency ki taraf, shifted to higher frequency, and the observer detects the, and the observer detects the radiation, and the observer detects the radiation with the frequency, with the frequency, with the frequency new. ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, frequency हमारी new होगी. So अगर जो हमारा molecule है वो emit कर रहा है radiation को frequency कितने की, न्यू नॉट, और वो move कर रहा है किसकी तरफ, observer की तरफ वो move कर रहा है molecule, observer की तरफ move कर रहा है कितनी velocity के साथ, v velocity के साथ में. तो यहाँ पे जो emitted radiation है वो shift हो जाएगी higher frequency की तरफ, और जो observer है वो detect करेगा radiation को किस frequency पे, frequency given as, जो उसकी frequency होगी that is equal to, न्यू is equal to न्यू नॉट 1 प्लस वी बाई सी. ये जो है हमारा जो ऑब्जर्वर है वो डिटेक्ट करेगा रेडिएशन को इस फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू नॉट 1 प्लस वी बाई सी, और सी क्या है यहाँ पे, हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट. ये वो केस है जब जो हमारा ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है, जब जो हमारा मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला, मॉलिक्यूल एमिट कर रहा है रेडिएशन को फ्रीक्वेंसी कितनी, न्यू नॉट की, और मूव कर रहा है टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ वो मूव कर रहा है वेलोसिटी वी के साथ में. तो यहाँ पे अब जो एमिटेड रेडिएशन होगी वो शिफ्ट हो जाएगी हायर फ्रीक्वेंसी पे, और जो ऑब्जर्वर है वो डिटेक्ट करेगा रेडिएशन को किस फ्रीक्वेंसी की, विद द फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू न्यू नॉट 1 प्लस वी बाय सी. सी क्या है यहाँ पे, हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट. अब दूसरा केस क्या हो सकता है, जब जो हमारी मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहा हो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर वो मूव कर रहा है. ठीक है, when the molecule is moving, अब वो किस तरफ मूव कर रहा है, away from the observer, is moving away from the observer, away from the observer, observer, the frequency of emitted radiation, अब जो हमें frequency होगी वो low हो जाएगी, the frequency of the emitted radiation, emitted radiation, the emitted radiation gets lowered ho jayegi, and is given as to wahan pe humne kya kiya tha, plus kiya tha, yahan pe minus sign aa jayega. So nu is equal to nu naught 1 minus v by c. To ye jo frequency hai ये हमारी आ जाएगी. सो जब मॉलिक्यूल मूव करेगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, पहले क्या कर रहा था वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, तो वहां पे हमने बोला था न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट 1 प्लस वी बाई सी. अब वो क्या मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से वो दूर जा रहा है. सो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी, अब जो एमिटेड रेडिएशन की जो ऑब्जर्व होगी, अब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लो हो जाएगी, और क्या डिटेक्ट करेगा जो हमारा ऑब्जर्वर है, वो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू नॉट 1 माइनस वी बाई सी. न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट 1 प्लस वी बाई सी. अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, रीअरेंज करते हैं. सो न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, दूसरा क्या है, 1 माइनस वी बाई सी. ये क्या है, जब जो हमारा मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहा है टुवर्ड द ऑब्जर्वर, और जब मॉलिक्यूल मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. तो दोनों को रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, न्यू नॉट माइनस न्यू बाई न्यू नॉट हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी बाई सी
माइनस में आ जाएगा ये माइनस ऑफ वी बाई सी, और यहाँ पे न्यू नॉट माइनस न्यू बाई न्यू नॉट इज इक्वल टू प्लस का वी बाई सी हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, डेल न्यू बाई में न्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस वी बाई सी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डेल न्यू बाई में न्यू नॉट इज इक्वल टू प्लस का वी बाई सी। तो यहाँ पे ये जो हमारा डेल न्यू है, न्यू नॉट माइनस न्यू इज इक्वल टू डेल न्यू, ये क्या है बच्चों, हमारा डॉपलर शिफ्ट फॉर्मूला है, इसे हम बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट या फिर डॉपलर ब्रॉडनिंग बोलते हैं। सो ये जो हमारी क्वांटिटी है न्यू नॉट माइनस न्यू इज इक्वल टू डेल न्यू, ये क्या है हमारा डॉपलर शिफ्ट फॉर्मूला, डॉपलर शिफ्ट या फिर इसे क्या बोलते हैं, और डॉपलर ब्रॉडनिंग, डॉपलर ब्रॉडनिंग क्या हमारी डॉपलर शिफ्ट या फिर डॉपलर ब्रॉडनिंग। सम मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं मूव कर रहे हैं ऑब्जर्वर की तरफ, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सो सम मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर व्हाइल सम आर मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। Thus the observed frequency becomes higher or lower than the actual frequency of the radiation, and all the resulting Doppler shift क्या होगा, उससे ब्रॉडनिंग हो जाएगी। ऑल द रिजल्टिंग डॉपलर शिफ्ट कॉज द ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। क्लियर। तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स बच्चों मूव कर रहे हैं ऑब्जर्वर की तरफ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, कुछ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर, ठीक है। सो इसलिए जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो ऑब्जर्व होगी फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगी, या तो ज्यादा होगी या कम होगी जो हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उससे रेडिएशन की। तो इसलिए जितनी भी रिजल्टिंग डॉपलर शिफ्ट है वो क्या करेंगी, कॉज ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जिनकी वजह से क्या हो जाएगी, जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसके अंदर ब्रॉडनिंग आ जाएगी। ओके, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस the Doppler broadening, it is shown that from kinetic theory of gases, it is shown that Doppler broadening of a molecule, Doppler broadening of a spectral line, जो हमारी Doppler broadening होगी spectral line की, of a molecule, जिसका mass क्या m है, molecule of mass m और temperature T पे, at temperature T is क्या होगी डॉपलर ब्रॉडनिंग, डेल न्यू इज इक्वल टू 2 न्यू अपॉन सी अंडर रूट 2kT ln 2/m। ये क्या होगी हमारी डॉपलर ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ मास m एट टेम्परेचर T, और ये किसके अकॉर्डिंग है, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ
गैसेस, क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, जो हमारे डेल न्यू है, जो हमारे डॉपलर ब्रॉडनिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, टेम्परेचर की है। सो जो डेल न्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, और डेल न्यू की हमारी यहाँ पे डॉपलर ब्रॉडनिंग है, डॉपलर ब्रॉडनिंग मतलब डॉपलर ब्रॉडनिंग उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो एक ग्राफ से इसको हम समझते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट डॉपलर ब्रॉडनिंग इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो डॉपलर ब्रॉडनिंग है वो भी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। और इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, एंड इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय वर्किंग एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर हम पे हम काम करके इसको कम कर सकते हैं ब्रॉडनिंग को, और सो दैट by working at low temperature so that maximum sharpness in the spectral line, maximum sharpness in the spectral line can be obtained। क्लियर है बच्चों, जो हमारा टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी डॉपलर ब्रॉडनिंग, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है जो ब्रॉडनेस है वो हमें क्या दिखाई दे रही है, बढ़ रही है। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर डॉपलर ब्रॉडनिंग क्या हो रही है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसको हम कम कर सकते हैं बाई वर्किंग एट लो टेम्परेचर, जिससे हमें क्या मिलेगी, जो हमारी शार्पनेस है स्पेक्ट्रल लाइन की वो हमें ऑब्टेन हो सके। ओके, नेक्स्ट है लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग। सो जो लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग होती है बच्चों, वो ऑब्जर्व होती है सॉलिड, लिक्विड और गैशियस सैंपल्स के अंदर। सो लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन is observed in solid, liquid, or gaseous samples। और ये किस वजह से होती है हमारी लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग, ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी ऑफ स्टेट। सो it arises due to the uncertainty in the energy of the states involved in the transition। तो जो लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग है स्पेक्ट्रल लाइन की, वो ऑब्जर्व होती है किसमें, सॉलिड लिक्विड और गैशियस सैंपल्स में। और ये किस वजह से होती है, अनसर्टेनिटी की वजह से। मीन्स टू से अनसर्टेन क्या होता है, मतलब जो फिक्स नहीं होता, जो चेंज होता है, चेंज होती है यहाँ पे जो एनर्जी होती है स्टेट्स की जो इन्वॉल्व होती है ट्रांजिशन में। सो यहाँ पे जो एनर्जी स्टेट की वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब जो हमारी एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। सो द एनर्जी ऑफ अ स्टेट, the energy of a state, the energy of a state is changing with time, energy of a state is changing with time, hence it is impossible to specify
सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई द एनर्जी लेवल्स एग्जैक्टली, टू स्पेसिफाई द एनर्जी लेवल्स एग्जैक्टली. सो जो हमारी एनर्जी ऑफ अ स्टेट है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ में, इसलिए ये इम्पॉसिबल है स्पेसिफाई करना एनर्जी लेवल्स को एग्जैक्टली. इफ अ सिस्टम रिमेन्स इन एन एनर्जी स्टेट फॉर अ टाइम टाउ, उसे हम क्या बोलेंगे, लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड, फॉर टाइम टाउ कॉल्ड दी लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट, उसे हम क्या बोलेंगे, लाइफ टाइम बोलेंगे स्टेट की. और इन अकॉर्डेंस विद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द एनर्जी ऑफ द स्टेट the energy of the state, the energy of the state will be uncertain to the extent delta E, or delta E into tau, that is greater than or equal to h upon 2pi, delta into tau greater than or equal to h upon 2 pi. और इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर एनर्जी, क्या बोलेंगे, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर एनर्जी. एंड हियर एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एच क्या है यहाँ पे हमारा, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है. तो देखिए बच्चों, अगर जो हमारा सिस्टम है वो किस में रहते हैं, एनर्जी स्टेट में रहता है फॉर अ टाइम टाउ, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम बोलते हैं स्टेट की, इज कॉल्ड दी लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट. और देन इन अकॉर्डेंस विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो एनर्जी रहेगी हमारी स्टेट की, द एनर्जी ऑफ द स्टेट विल बी अनसर्टेन टू द एक्सटेंट डेल्टा ई. और यहाँ पे जो डेल्टा ई हमारे किसकी, जो हमारे डेल्टा ई इंटू टाउ होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन टू पाई. और इसे हम क्या बोलते हैं, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर एनर्जी. और एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ सिस्टम इज शार्पली डिफाइंड, वो क्या होती है हमारी, शार्पली डिफाइंड होती है, बिकॉज जो हमारी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है सिस्टम की वो क्या होती है, इनफाइनाइट टाइम के लिए होती है. तो इसलिए वो क्या होती है, शार्पली डिफाइंड होती है. सो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम इज शार्पली डिफाइंड बिकॉज इन दिस स्टेट सिस्टम रिमेन्स फॉर इनफाइनाइट टाइम, no excited state has infinite lifetime. So all the excited states have energy uncertainty, मतलब जो उनकी एनर्जी होती है वो भी अनसर्टेन होती है, फिक्स नहीं होती है, ठीक है, चेंज होती है. एनर्जी अनसर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एसोसिएटेड रेडिएशन
एसोसिएटेड रेडिएशन इज गिवन एज, गिवन एज जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, डेल न्यू, डेल न्यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल ई, डेल ई अपोन में एच, ओके। और यहाँ पे जो हमारी डेल ई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एच अपोन टू पाई टाओ, तो रख देंगे यहाँ पे एच अपोन टू पाई टाओ होती है और इंटू में एच, तो एच से एच यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो किसकी इक्वल आ गई, डेल न्यू इज इक्वल टू वन अपोन टू पाई, तो किसके बराबर आ गई, वन अपोन टू पाई टाओ, तो डेल न्यू इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई टाओ। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जितनी शॉर्टर जो हमारी लाइफ टाइम है स्टेट की रहेगी दैट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन, उतना ही क्या होगा, ब्रॉडनिंग आएगी जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन है उसमें। ऑल राइट, जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है हमारी सिस्टम की वो शार्पली डिफाइन होती है, ऐसा क्यों है, बिकॉज इस स्टेट में जो सिस्टम है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए रहता है, बट एक्साइटेड स्टेट जो है उनके पास इनफाइनाइट लाइफ टाइम नहीं होता, इसलिए एक्साइटेड स्टेट्स में क्या होती है, एनर्जी भी अनसर्टेनिटी होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी एसोसिएटेड रेडिएशन होती है, अनसर्टेनिटी इन दी फ्रीक्वेंसी, तो वहां पर क्या होती है हमारी अनसर्टेनिटी होती है फ्रीक्वेंसी में भी, uncertainty in the frequency of the associated radiation is given as that is del nu is equal to del E upon me H और वो किसके बराबर आ गया, 1 upon 2 pi tau के। नेक्स्ट टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो जो इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रल लाइन की वो मेनली डिपेंड करती है थ्री फैक्टर्स पे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बिटवीन द टू स्टेट्स पे, सेकेंडली इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे, और थर्डली पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व पे। तो इन थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो हमारी इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रल लाइन्स की वो। सो द इंटेंसिटी The intensity of a spectral line depends mainly upon the three factors, कौन कौन से हैं, first the transition probability between the two states, the transition probability between these two states, इस पर डिपेंड करती है, और सेकेंड जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट रेडिएशन की उस पर भी डिपेंड करती है, the intensity of the incident radiation इस पर डिपेंड करती है, और थर्डली पॉपुलेशन ऑफ स्टेट पे भी डिपेंड करती है, एंड द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व्ड। ओके, तो इन थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं इंटेंसिटी ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन, फर्स्ट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बिटवीन द टू स्टेट्स, सेकंड इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, थर्ड द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व्ड। द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मीन्स whether a particular transition occur between the two energy levels, देखिए जो हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी उसका मतलब क्या है कि जो हमारी एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन है वो दो एनर्जी लेवल्स के बीच में होगी या नहीं होगी, तो ये जो है डिसीजन कौन लेता है, हमारी सिलेक्शन रूल्स, एंड दिस इज डिसाइडेड बाय द सिलेक्शन रूल्स और ये डिसाइड कौन करता है, सिलेक्शन रूल्स डिसाइड करते हैं। सो सिलेक्शन रूल्स डिटरमाइंस
वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन, वेदर अ पर्टिकुलर, वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन इज अलाउड, पर्टिकुलर ट्रांजिशन इज अलाउड और फॉरबिडन, और फॉरबिडन. तो जो सिलेक्शन रूल्स है वही डिटरमाइन करते हैं जो हमारी पर्टिकुलर जो हमारी ट्रांजिशन है वो अलाउ होगी या फिर नहीं होगी, फॉरबिडन हो जाएगी. ठीक है, और जो हमारी अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं वो क्या देती हैं हमें, इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइंस, बहुत स्ट्रांग स्पेक्ट्रल लाइंस. और जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं वहाँ पे या तो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी या फिर बहुत ही वीक स्पेक्ट्रल लाइंस वहाँ पे हमें ऑब्टेंड होती हैं. सो अलाउड ट्रांजिशंस, अलाउड ट्रांजिशंस गिव्स इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइंस, गिव्स इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस. जबकि जो हमारी फॉरबिडन ट्रांजिशन होती हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशंस गिव्स नो स्पेक्ट्रल लाइन, या तो स्पेक्ट्रल लाइन नहीं मिलेंगी हमें, नो स्पेक्ट्रल लाइंस, गिव नो स्पेक्ट्रल लाइंस. फॉरबिडन ट्रांजिशन गिव्स आइदर no spectral lines, no spectral lines or a weak spectral line is obtained, or a weak spectral lines is obtained. या तो हमें spectral lines obtain होंगी या फिर जो हमारी spectral lines है वो बहुत ज़्यादा weak obtain होंगी. सो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है उसका मतलब क्या है, जो हमारी पर्टिकुलर ट्रांजिशन है वो होगी या फिर नहीं होगी बिटवीन दी टू एनर्जी लेवल्स. और ये डिसाइड कौन करता है, डिसाइड किया जाता है बाय सिलेक्शन रूल्स. और जो सिलेक्शन रूल्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन इज अलाउड और फॉरबिडन, वो अलाउ होगी या फिर नहीं होगी. और जो अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं वो क्या देती हैं हमें, इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइंस. जबकि जो हमारी फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं वो क्या देती हैं हमें, आइदर गिव्स नो, either gives no spectral lines, या तो spectral lines होंगी ही नहीं, either give no spectral line or a weak spectral line is obtained, all right. या तो spectral line obtained ही नहीं होंगी या फिर क्या होंगी, बहुत ही weak spectral line obtained होंगी, all right. When the intensity of incident radiation, intensity of incident radiation is increased, जब हम इंटेंसिटी को इंसिडेंट रेडिएशन की बढ़ाते हैं तो वहां पे जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है वो भी बढ़ता है. रेट ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीजेस, और जिससे क्या होगा, एंड हेंस द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल लाइन की वो भी बढ़ जाएगी. हेंस द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इंक्रीजेस भी बढ़ जाएगी. और जो इंटेंसिटी जो है स्पेक्ट्रल लाइन की, एंड द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस, depends upon the difference between the states involved, difference between the population difference, ठीक है, depends upon the population difference between the states involved, okay. So जब हम intensity incident radiation की उसको हम बढ़ाएंगे, इंसिडेंट रेडिएशन है हमारी उसकी इंटेंसिटी को जब बढ़ाया जाता है तो जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है बच्चों वो भी हमारा बढ़ता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस है वो भी क्या हो जाती है, उनकी भी इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है. और जो इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल लाइन की वो डिपेंड करती है हमारी पॉपुलेशन डिफरेंस पे बिटवीन द स्टेट्स इन्वॉल्व, जो हमारी स्टेट्स है उनके बीच का जो पॉपुलेशन डिफरेंस है उस पे भी डिपेंड करती है जो हमारी इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रल लाइंस की. आइंस्टीन
आइडेंटिफाइड फॉलोइंग थ्री प्रोसेसेस, उनको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे अब. आइडेंटिफाइड फॉलोइंग थ्री प्रोसेसेस कंट्रीब्यूटिंग थ्री प्रोसेसेस दैट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ट्रांजिशंस between the states. So first, देखिए अब हम पढ़ते हैं जो आइंस्टीन ने आइडेंटिफाई की थी थ्री प्रोसेसेस को जो कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रांजिशंस बिटवीन द स्टेट्स. इसमें आ जाएंगे हमारे पास, एक होते हैं स्टिम्यूलेटेड एब्जॉर्प्शन, सेकंड है स्पॉन्टेनियस एमिशन और थर्ड है स्टिम्यूलेटेड एमिशन. तो ये थ्री प्रोसेसेस हैं, वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं. स्टिम्यूलेटेड एब्जॉर्प्शन. सो स्टिम्यूलेटेड एब्जॉर्प्शन जब होता है, जब हमारी ट्रांजिशन होती है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, जब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है फोटोन का सुटेबल एनर्जी की. ओके, सो स्टिम्यूलेटेड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस when a transition occurs from a lower energy state to a higher energy state by absorption of photon of suitable energy from the incident radiation. सो स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब हमारी ट्रांजिशन होती है कहाँ से कहाँ, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में, फ्रॉम अ लोअर एनर्जी स्टेट टू अ हायर एनर्जी स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन. क्या होता है, जब एब्जॉर्प्शन होता है फोटोन का स्टेबल एनर्जी की फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन. तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से लोअर एनर्जी स्टेट से किस में जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में. ये क्या है, हमारी लोअर है, और लोअर से किस में जाएगा, हायर में जाएगा यहाँ पे. और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसका होगा, एब्जॉर्प्शन होगा हमारी फोटोन का सुटेबल एनर्जी के. सो ये क्या है हमारा, स्टिम्यूलेटेड एब्जॉर्प्शन. बिकॉज यहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जो हमारी ट्रांजिशन होती है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन ऑफ सुटेबल एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन. तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी ट्रांजिशन हो रही है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में. तो यहाँ पे जो हमारी ट्रांजिशन होगी कहाँ से कहाँ होगी, लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में, जब फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा सुटेबल एनर्जी के. ओके, नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन. तो यहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन में यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होता है एक्साइटेड स्टेट में, वो स्पॉन्टेनियसली लॉस कर देता है एनर्जी को और वापस से आ जाता है अपनी लोअर लेवल में. सो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन. सो द मॉलिक्यूल in the excited state spontaneously
में स्पॉन्टेनियसली लॉस एनर्जी एंड फॉल बैक टू लोअर लेवल एंड दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन. इसी ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पॉन्टेनियस एमिशन. स्पॉन्टेनियस एमिशन तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी लोअर है और ये हायर है. सो हायर से कहाँ पे आएगा, वो लोअर में आएगा लॉस करके एनर्जी का. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन. ये क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन. सो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो हमारे एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल वो स्पॉन्टेनियसली लॉस करेगा एनर्जी, और अपनी जो हायर स्टेट थी उससे क्या आ गया, अपने लोअर लेवल में आ गया, हायर से लोअर लेवल में आ गया. तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन. स्पॉन्टेनियसली उसने अपनी एनर्जी को लॉस किया और लोअर लेवल पे आ गया, तो इसको ही बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन. स्टिम्यूलेटेड एमिशन. सो एक हमने पढ़ा स्पॉन्टेनियस और एक अब हम पढ़ रहे हैं स्टिम्यूलेटेड. तो देखिए स्पॉन्टेनियस में क्या था, वहाँ पे जो हमारा अपर स्टेट में जो हमारा मॉलिक्यूल था एक्साइटेड स्टेट में, उसने स्पॉन्टेनियसली लॉस किया था एनर्जी को और वो आ गया था लोअर एनर्जी स्टेट में. बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टिम्यूलेटेड एमिशन के अंदर क्या होगा, जो हमारा अपर स्टेट में जो मॉलिक्यूल है वो अब इंसिडेंट रेडिएशन के साथ इंट्रैक्ट करेगा. जब वहाँ पे क्या होगी, हमारी ट्रांजिशन होगी और वो हायर एनर्जी स्टेट से किस में आएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा. मतलब यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई की रिक्वायरमेंट हो रही है. सो दिस इज इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई. सो स्टिम्यूलेटेड एमिशन क्या है, द मॉलिक्यूल इन द अपर स्टेट इंट्रैक्ट्स विद इंसिडेंट रेडिएशन एंड इंड्यूस टू लोअर एनर्जी स्टेट. तो जो मॉलिक्यूल हमारा किस में था, अपर स्टेट में था, वो इंट्रैक्ट करता है इंसिडेंट रेडिएशन के साथ में और किस में आ जाता है, हमारा लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है. तो यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा किस में, हमारी एक्साइटेड में. एक्साइटेड से वो किस में आ रहा है, हमारी अपर स्टेट से किस में आ रहा है, लोअर स्टेट में आ रहा है. तो यहाँ पे वो इंट्रैक्ट कर रहा है किसके साथ में, इंसिडेंट रेडिएशन के साथ में. यहाँ पे क्या हमारा एच न्यू और यहाँ पे भी क्या होगी हमारी एच न्यू. ये क्या है हमारा इंसिडेंट जो हमारा फोटोन वो है, और ये क्या है हमारा जो एमिटेड फोटोन है वो है. तो ये किससे आ रहा है, अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है बाय इंट्रैक्शन विद द इंसिडेंट रेडिएशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमारा दिस इज इंड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई एंड दिस इज इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई. और ये क्या है हमारा स्टिम्यूलेटेड एमिशन. पहले क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल है अपर स्टेट में वो इंट्रैक्ट कर रहा है इंसिडेंट रेडिएशन के साथ में, उसके बाद यहाँ पे हमें ट्रांजिशन देखने को मिल रही है, वो हायर जो उसकी अपर स्टेट है उससे लोअर स्टेट में आ रहा है. इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिम्यूलेटेड एमिशन. जबकि स्पॉन्टेनियस में क्या था, वहाँ पे कोई भी वहाँ पे इंट्रैक्शन नहीं हो रहा था इंसिडेंट रेडिएशन के साथ में, वहाँ पे डायरेक्ट जो हमारा मॉलिक्यूल है अपर स्टेट में जो है वो स्पॉन्टेनियसली लॉस कर रहा है एनर्जी को, किस में आ रहा है, लोअर स्टेट में आ रहा है. तो वो क्या था, स्पॉन्टेनियस एमिशन. और ये क्या है हमारा, स्टिम्यूलेटेड एमिशन. ओके, अब फिर हम बात करते हैं नेट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की, दैट इज आर नेट. तो ये किसके इक्वल होगा, n माइनस n डैश एन बी रो. क्या हो जाएगा हमारा, आर नेट
दैट इज इक्वल टू एन माइनस एन डैश बी रो, एन के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हमारे लोअर स्टेट में है और एन डैश जो अपर स्टेट में है, हायर स्टेट में है. और बी क्या है यहाँ पे, बी है आइंस्टीन्स कोफिशियंट ऑफ स्टिम्यूलेटेड एब्जॉर्प्शन. और जो रो है वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एट द फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन. सो आर नेट किसके इक्वल है, एन माइनस एन डैश बी रो के. एट अ गिवन टेम्परेचर इफ एन नॉट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज द number of molecules in the ground state, temperature T पे, किसी भी given temperature पे अगर n नॉट जो हमारे number of molecules हैं ground state में, then the number of molecules n in the excited state is given by Boltzmann distribution law as, देखिए एट अ गिवन टेम्परेचर एन नोट क्या हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो ग्राउंड स्टेट में है, तो यहाँ पे जो हमारी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन एक्साइटेड स्टेट में है वो दी है बाय बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एज. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एन है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द एक्साइटेड स्टेट दैट इज इक्वल टू एन नॉट और ई की पावर माइनस ई माइनस डेल्टा ई बाय के टी. इस तरीके से ये क्या हो गया, n इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस डेल्टा ई बाई के टी. और अगर यहाँ पे हम रेशियो लेंगे n बाई एन नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दी ग्राउंड स्टेट टू दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द एक्साइटेड स्टेट दैट इज इक्वल टू ई माइनस डेल्टा ई बाई के टी, ये हो जाएगी. और यहाँ पे जो k है हमारा वो क्या है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, दैट इज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट. क्या हो गया हमारा, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट. सो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सिलेक्शन रूल्स इन स्पेक्ट्रोस्कोपी. सिलेक्शन रूल्स क्या होती हैं, द रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइड ऑन द ट्रांजिशंस transitions are guided by set of rules which are called selection rules. तो जो restriction अप्लाई होती है transitions पे वो गाइड किए जाते हैं बाय द सेट ऑफ रूल्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन रूल्स हम इन्हें बोलते हैं. तो देखिए जो हमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है बेसिकली हम वहाँ पे क्या देखते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे उनके बीच में क्या होती है, वेरियस एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें, और उनके बीच में क्या होती है, हमारी ट्रांजिशंस होती हैं. और जो ट्रांजिशंस है वो ऐसे नहीं रैंडमली हो जाती हैं, डेफिनेट एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या होती है, हमारी ट्रांजिशन होती हैं. और जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करते ओबे करते उन्हें हम बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन, और जो ट्रांजिशन से ओबे नहीं करती हैं फॉलो नहीं करती उन्हें हम बोलते हैं forbidden transitions. So the transitions that obey the selection rules are called
अलाउड ट्रांजिशंस कॉल्ड अलाउड अलाउड ट्रांजिशंस एंड द ट्रांजिशंस which do not follow selection rules, which do not follow the selection rules are called forbidden transition. उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? forbidden transitions. So transition जो भी करती है selection rules को allowed transitions, और transitions जो follow नहीं करती selection rules को that are called forbidden transitions. हम देखते हैं for pure rotational transition जो हमारा selection rule होता है, selection rule is वो क्या रहता है? del z = ±1. डेल जेड क्या रहता है हमारा? प्लस माइनस वन रहता है. और यहाँ पे जो जेड है हमारा प्लस वन कब होगा? जब एब्जॉर्प्शन होगा. एब्जॉर्प्शन और जेड माइनस वन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है हमारा एमिशन. और यहाँ पे जो जेड है वो क्या है? रोटेशनल क्वांटम नंबर, दैट इज रोटेशनल क्वांटम नंबर. Z क्या है यहाँ पे? रोटेशनल क्वांटम नंबर है. सिलेक्शन रूल क्या है प्योर रोटेशन ट्रांजिशन के लिए? डेल Z इज इक्वल टू प्लस माइनस वन. ओके, फॉर प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए इन अ हार्मोनिक ऑसिलेटर जो सिलेक्शन रूल रहेगा वो क्या होगा? दिस सिलेक्शन रूल इज यहाँ पे क्या होगा? डेल वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन. सो प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो सिलेक्शन रूल रहेगा दैट इज डेल वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन. और वी क्या है यहाँ पे? हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है. वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर. सो के स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को, और सिलेक्शन रूल्स इन स्पेक्ट्रोस्कोपी को. अगर आपको कोई भी डाउट इन टॉपिक्स में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. इस वीडियो में इतना ही. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.